Very good morning, my all dear students. How are you? I hope that you all are very happy, very fine, and fantastic. Nowadays, you all are living at home. आजकल आप सभी अपने घर पर रह रहे हैं, सुरक्षित रह रहे हैं, क्योंकि अभी के समय जो देश में लॉकडाउन जो लगा है, जो हुआ है, इसी के कारण हम सभी घर में रह रहे हैं। लेकिन सबसे खुशी की बात है कि आप सभी घर पर रहकर अपनी पढ़ाई को पर ध्यान दे रहे हैं, समय निकाल रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड आज मैं आप लोगों को एक विचार के साथ, आप लोगों को नए टॉपिक के साथ, नए विचार के साथ स्टार्ट करता हूं। नए टॉपिक की शुरुआत मैं एक नए विचार के साथ करना चाहता हूं। तो मेरा विचार है आज का, ये सुनिए, इसके बाद मैं आप लोगों का आपके अकॉर्डिंग यूं ही दिन भर सोया ना कीजिए, यूं ही दिन भर सोया ना कीजिए, यूं ही दिन भर समय बर्बाद किया ना कीजिए, कभी कभी समय निकाल कर कुछ पढ़ा कीजिए। यूं ही दिन भर सोया ना कीजिए, कभी कभी समय निकाल कर कुछ पढ़ा कीजिए, कभी वह जिंदगी की गजल को समझने की कोशिश कीजिए, कभी वह जिंदगी की गजल को समझने की कोशिश कीजिए, और अपने जीवन में कभी कभी समय निकाल कर कुछ पढ़ा कीजिए। धन्यवाद। आप लोग अपने समय निकाल कर कुछ जरूर पढ़िए, समय का यूज कीजिए, ये नहीं कि दिन भर सोए रहे, समय टाइम पास करते रहे। टाइम पास करना बहुत आसान है। देखिए, अभी घर में रहेंगे तो अनुभव क्यों होंगे कि सब कुछ आपको पूरा हो सकता था, खाने पीने के लिए सब पूरा कर सकते हैं, लेकिन नींद एक ऐसा चीज है जो अभी तक पूरा नहीं होता होगा। लगता होगा कि आज भी सो लूं, पूरा दिन भर सो लूं, रात में सो लूं, पूरा मन भर सो लूं, फिर भी वो पूरा नहीं होता है। तो जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है तो आलस है। आलस कीजिए, लेकिन आलस आलस में कीजिए, आलस कीजिए, लेकिन आलस होने में कीजिए आलस मत। चलिए, आप लोगों को आपके अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट का चैप्टर वन का अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, और आप लोगों को सेकेंड क्लास में देखते हैं आप लोगों का आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। तो ध्यान से देखिए और अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक को मेंशन कीजिए और पढ़ाई कीजिए, समझिए, किसी प्रकार की त्रुटि हो तो जरूर पूछिए। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं। वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल इन सेकेंड क्लास ऑफ कंप्यूटर फॉर फोर्थ क्लास स्टूडेंट। टुडे टॉपिक इज प्रोसेसिंग डिवाइस। मैंने पिछले बार बताया था कि अगले दिन क्लास में हम लोग प्रोसेसिंग डिवाइस स्टार्ट करूंगा, तो आज मैं फोर्थ क्लास स्टूडेंट के लिए मैं प्रोसेसिंग डिवाइस चैप्टर वन का जो टॉपिक है आज मैं पढ़ाऊंगा। तो आप लोगों को पढ़ाने से पहले मैं बताने से पहले आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ बुक। ये देखिए, आप लोगों का जो है बुक फोर्थ क्लास स्टूडेंट के लिए टुडेज कंप्यूटर बुक है, और ये चैप्टर वन का जो है, मैंने पिछले बार बताया था आप लोगों को इनपुट डिवाइस और इंट्रोडक्शन के बारे में। आज मैं लास्ट टॉपिक जो था डिजिटल कैमरा था, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रोसेसिंग डिवाइस। और प्रोसेसिंग डिवाइस में हम लोग जानेंगे आज, और आउटपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में डिस्कस करते हैं, इसके बाद आगे आप लोग को दिखाते हैं। तो प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में देखते हैं आगे क्या जानना है और कौन से पॉइंट को बारे में हम लोग को याद रखना है। देखिए, प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में सबसे पहला पॉइंट होता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कहने का मतलब है, शॉर्ट फॉर्म देख, सेंट्रल प्रोसेसिंग शॉर्ट में सीपीयू बोला जाता है, और सीपीयू को क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू का पूरा नाम क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद रखिएगा। अगला पॉइंट होता है प्रोसेसिंग डिवाइस से, सीपीयू कंट्रोल ऑल द कंप्यूटर सिस्टम। देखिए, सीपीयू कंट्रोल कंप्यूटर सिस्टम एंड स्टोर ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। सीपीयू कंट्रोल कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए सीपीयू काम करता है, एंड स्टोर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत प्रकार का इंफॉर्मेशन को ये क्या करता है, स्टोर करके रखता है, कौन, सीपीयू। तो यह है सीपीयू का सेकेंड पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं, सीपीयू डज कैलकुलेशन एंड डिस्प्ले रिजल्ट ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। सीपीयू डज कैलकुलेशन एंड डिस्प्ले रिजल्ट ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। सीपीयू जो है कैलकुलेशन भी करता है और डिस्प्ले करता है क्या जी को, रिजल्ट को, कहां पर, मॉनिटर स्क्रीन पर। तो सीपीयू डज कैलकुलेशन एंड डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, ये मॉनिटर स्क्रीन पर इसको डिस्प्ले कर देता है, प्रदर्शित करता है, दिखाता है। कंप्यूटर डज ऑल द वर्क थ्रू द सीपीयू। कंप्यूटर डज ऑल द वर्क थ्रू द सीपीयू। तो कंप्यूटर जो है सीपीयू के माध्यम से सारे कामों को करता है, कि जितने भी काम है सभी कामों को सीपीयू के माध्यम से ही कंप्यूटर कर पाता है। ये था प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू का, यानी सीपीयू के बारे में ही हम लोग जानना है। सीपीयू जो है प्रोसेसिंग डिवाइस है। व्हाट इज प्रोसेसिंग डिवाइस, मैंने बता दिया था, उसको याद रखिएगा, बेसिक पॉइंट में मैंने बताया था। प्रोसेसिंग डिवाइस जो प्रोसेस करता है डेटा को, उसी को प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। देखिए, सीपीयू से रिलेटेड अगला पॉइंट बताता है कि सीपीयू कंटेन थ्री मेन कंपोनेंट। सीपीयू जो है तीन चीजों को कंटेन करता है, अपने पास रखता है, जिसके कारण ये प्रोसेस कर पाता है। पहला है एलयू, दूसरा सीयू, तीसरा है एमयू। इन तीन कारणों के चलते, इन तीन चीजों के चलते
ये सीपीयू जो है वर्क कर पाता है। तो चलिए दिखाते हैं एलयू सीयू और एमयू का काम क्या है। तो पहला है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, याद रखिएगा एलयू का पूरा नाम क्या होता है, ये फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलयू, तो याद रखिएगा। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एलयू का पूरा नाम क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखते हैं एलयू से रिलेटेड पहला पॉइंट, एलयू हैव टू परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिकल कैलकुलेशन। कहने का मतलब है एलयू जो है क्या करता है, हेल्प करता है क्या करने में, कैलकुलेशन करने में, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करने में, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड लॉजिकल ऑपरेशन, जोड़ घटा गुणा भाग का सिंपल कैलकुलेशन जो है इसको करने में हमें एलयू हेल्प करता है, हेल्प करता है। तो ये रखिएगा याद कि एलयू जो है हमें सिंपल कैलकुलेशन करने में, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करने में हमें एलयू हेल्प करता है। अगला बताते हैं सीयू के बारे में। तो सीयू जो है इसका पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट, क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द कंप्यूटर एंड मैनेजेज ऑल द ऑपरेशन, ये पहला पॉइंट है, याद रखिएगा कि कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द कंप्यूटर एंड मैनेजेज ऑल द ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशन होते हैं ये क्या करता है, सीयू काम कर कंट्रोल करता है, कंप्यूटर का जितने भी काम होता है, जितने भी ऑपरेशन होते हैं क्या करता है, कौन कंट्रोल करता है, तो सीयू, तो सीयू सीयू कंट्रोल द कंप्यूटर एंड मैनेजेस ऑल द ऑपरेशन, सारे चीजों को मैनेज करके रखता है। अगला पॉइंट होता है कि सीयू वर्क्स लाइक ए कंट्रोलर ऑफ प्रोसेसिंग, सीयू वर्क्स लाइक ए कंट्रोलर ऑफ प्रोसेसिंग, सीयू जो है प्रोसेसिंग का कंट्रोलर के नाम से भी जाना जाता है। तो सीयू वर्क्स लाइक अ कंट्रोलर ऑफ प्रोसेसिंग, ये प्रोसेसिंग का कंट्रोलर है, जैसे साइकिल में, गाड़ी में जैसे कंट्रोलर ब्रेक होता है, ब्रेक से कंट्रोल कर पाते हैं, उसी प्रकार क्या होता है कंप्यूटर में, सीयू जो है जितने भी काम होता है, जितने भी प्रोसेसिंग का काम होता है उसको कंट्रोल करके रखता है, कंट्रोलर के जैसे काम करता है। तो ये था सीयू से रिलेटेड कुछ पॉइंट। अगला पॉइंट होता है मेमोरी यूनिट से, इसको शॉर्ट में बोला जाता है एमयू, इसका पूरा नाम होता है मेमोरी यूनिट, याद रखिएगा मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट के बारे में जानते हैं कि क्या है, कि एमयू हेल्प, एमयू मतलब मेमोरी यूनिट, तो मेमोरी यूनिट हेल्प अस टू स्टोर इंफॉर्मेशन एंड डेटा टेम्पोरली और परमानेंटली इनटू द कंप्यूटर। कहने का मतलब जो एमयू जो है इंफॉर्मेशन को सेव करने में, स्टोर करने में हमें हेल्प करता है, और वो जो इंफॉर्मेशन है, डेटा जो है वो टेम्पोरली भी हो सकता है, परमानेंटली भी हो सकता है, कुछ देरी के लिए भी, कुछ क्षण के लिए भी हो सकता है, कुछ दिनों के लिए भी हो सकता है, और परमानेंट भी हो सकता है जब तक कि हम उसको इरेज नहीं करें। तो अकॉर्डिंग टू आवर च्वाइस हम लोग इसको स्टोर कर रख सकते हैं अपनी इच्छानुसार। तो ये जो इच्छानुसार हमें डेटा को, इन्फॉर्मेशन को सेव करने में जो मदद करता है, स्टोर करने में जो मदद करता है एमयू जो है, तो एमयू हमें हेल्प करता है। ये आप लोग को जानना है आउटपुट डिवाइस के बारे में, तो आउटपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं अगला क्या पॉइंट है। तो आउटपुट डिवाइस आर यूज टू डिस्प्ले द इन्फॉर्मेशन दैट वी इनपुट इनटू ए कंप्यूटर। कहने का मतलब आउटपुट डिवाइस जो है डिस्प्ले करता है इन्फॉर्मेशन को, कोई भी इन्फॉर्मेशन को जो हम लोग क्या करते हैं, दैट वी इनपुट इनटू ए कंप्यूटर, जो भी इनपुट हम लोग कंप्यूटर में डालते हैं उसी को दिखाने के काम करता है कौन, आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले द इन्फॉर्मेशन दैट वी इनपुट इनटू द कंप्यूटर, जो हमें, जो हम लोग कंप्यूटर में इनपुट देते हैं उसी को डिस्प्ले करता है, दिखाता है। ये था आउटपुट डिवाइस का काम। तो आउटपुट डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं, देखिए कुछ प्रकार के होते हैं जो हम लोग जानते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में, कुछ आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो आउटपुट डिवाइस के बारे में देखिए आप लोग के बुक में जानना है मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर के बारे में, तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को। तो मॉनिटर आप लोग जानते ही हैं, ये जो दिख रहा है ये मॉनिटर है, ये जो दिख रहा है प्रिंटर है, प्रिंटर देखे ही होंगे, और ये है स्पीकर। तो चलिए जानते हैं मॉनिटर के बारे में। तो मॉनिटर के बारे में सबसे पहले होता है कि मॉनिटर इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड इमेज, जो भी टेक्स्ट मैंने अभी जो दिखा रहा है ये स्क्रीन पर, ये भी क्या है, टेक्स्ट है। तो ये क्या करने के काम कर रहा है, ये मॉनिटर दिखाने के काम करना है। तो एक प्रकार का तो ये हो गया एग्जांपल, और इमेज भी जो हम लोग क्लिक करते हैं, पिक्चर क्लिक करते हैं, मूवी देखते हैं, ये सब क्या करता है, वो सब दिखाने के काम करता है। तो इमेज भी दिखाने के काम करता है, कौन, मॉनिटर काम करता है। अगला पॉइंट होता है मॉनिटर का, पहला पॉइंट जान गया कि मॉनिटर इज यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड इमेज। अगला पॉइंट होता है मॉनिटर अलाउ द यूजर टू ऑब्जर्व द वर्क दैट हैज बीन डन ऑन टू द कंप्यूटर। मॉनिटर अलाउ द यूजर टू ऑब्जर्व द वर्क दैट हैज बीन डन ऑन टू द कंप्यूटर। मॉनिटर क्या करता है, हमें अलाउ देता है कोई भी काम जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करने के लिए, ऑब्जर्व द वर्क दैट हैज बीन डन ऑन टू द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर पर हो चुका है, जो हो रहा है उसको ऑब्जर्व करने में भी हेल्प करता है, अलाउ देता है। अगला होता है कि द इन्फॉर्मेशन दैट वी सी ऑन द मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। कहने का मतलब है जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग मॉनिटर स्क्रीन पर देखते हैं उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, याद रखिएगा इसको।
द इंफॉर्मेशन दैट वी सी ऑन द मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग सॉफ्ट देखते हैं मॉनिटर स्क्रीन पर उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। अगला होता है प्रिंटर। द प्रिंटर गिव्स द आउटपुट। प्रिंटर गिव्स द आउटपुट ऑफ द डेटा ऑन द पीस ऑफ पेपर विच इज इनपुटेड इन टू द कंप्यूटर। कहने का मतलब है प्रिंटर जो है किसी भी डेटा को आउटपुट में देता है, वो भी कागज का टुकड़ा पर। जो हम लोग पेपर लगाते हैं जो आता है प्रिंट करने के लिए, पेपर जो आता है उसी पर जो देता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को हम लोग बोलते हैं हार्ड कॉपी, जो हम लोग निकलेगा। तो देखा बताते हैं प्रिंटर गिव्स द आउटपुट ऑफ द डेटा। जो डेटा हम लोग देते हैं उसको पेपर पर देता है उसको कौन सा देता है, जो हम लोग क्या करते हैं इनपुटेड इन टू द कंप्यूटर। जो हम लोग कंप्यूटर में इनपुट देते हैं उसी को प्रिंट करके वो देता है, और जो प्रिंट होता है उसको क्या बोलते हैं हार्ड कॉपी। इसलिए अगला पॉइंट लिखा हुआ है प्रिंटेड डेटा इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। जो प्रिंट होता है डेटा पेपर पर उसी को हार्ड कॉपी बोलते हैं। इसलिए लिखा हुआ अगला पॉइंट प्रिंटेड डेटा इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी याद रखिएगा कि जो इन्फॉर्मेशन हम लोग मॉनिटर स्क्रीन पर देखते हैं उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, और जो हम लोग प्रिंटेड जो हम लोग पेपर पर जो निकलता है जो पेपर पर आ जाता है प्रिंट होकर उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। तो ये था हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी और मॉनिटर और प्रिंटर के बारे में। आगे देखते हैं कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रिंटर, ये भी जानना है आप लोगों को। अगला पॉइंट है कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर जो है तीन प्रकार के होते हैं। पहला है लेजर प्रिंटर, दूसरा है इंकजेट प्रिंटर और तीसरा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ये तीन प्रिंटर के बारे में याद रखिएगा और आपके जानने लायक है। तो ये प्रिंटर के बारे में दिया हुआ है जो आप लोग को फिगर में दिखा दे रहा हूँ आप लोग को जानने के लिए। तो ये देखिए पहला है लेजर प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर इस प्रकार के प्रिंटर होते हैं, देख पा रहे हैं आप। दूसरा है इंकजेट प्रिंटर। तो इंकजेट प्रिंटर जो है इस प्रकार के होते हैं, देख पा रहे हैं। अगला है आप लोगों का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इस प्रकार से होते हैं, जो डॉट डॉट करके होते हैं, ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। तो ये था आपके जानकारी के लिए देखने के लिए मैं दिखा दिया आप लोग को। तो तीन प्रकार का प्रिंटर है, याद रखिएगा तीन प्रकार का प्रिंटर आप लोग को जानना है आपके अकॉर्डिंग, आपके क्लास के अकॉर्डिंग। तो लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब अगला है आप लोग को जानना है जो मैंने बताया था स्पीकर के बारे में। किसके बारे में जानना है, स्पीकर के बारे में। तो अगला आप लोग स्पीकर के बारे में मैं बताते चलता हूँ कि अगला पॉइंट बनता है स्पीकर के बारे में। पहला पॉइंट कि स्पीकर इज यूज टू सेपरेट द रिकॉर्डेड साउंड एंड लिसन म्यूजिक। स्पीकर इज यूज टू सेपरेट द रिकॉर्डेड साउंड एंड लिसन म्यूजिक। स्पीकर जो है क्या करता है, जो भी साउंड होता है कंप्यूटर में उसको सुनने के लिए, फैलाने के लिए, दूर तक पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है स्पीकर का। तो ये था स्पीकर का यूज। तो स्पीकर का ये पहला पॉइंट था कि स्पीकर इज यूज टू सेपरेट द रिकॉर्डेड साउंड एंड लिसन म्यूजिक। कोई भी म्यूजिक कंप्यूटर में जो है उसे सुनने के लिए और उसे सेपरेट करने के लिए, फैलाने के लिए, सुदूर तक सुनाने के लिए यूज किया जाता है किसका, स्पीकर का। तो ये था स्पीकर का यूज। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइस के बारे में। तो दैट्स ऑल फॉर सेकेंड क्लास। थैंक यू, सी यू अगेन नेक्स्ट डे। आई विल स्टार्ट स्टोरेज डिवाइस। सो टुडेज होमवर्क, आज का आप लोग का होमवर्क रहेगा लर्न एंड राइट ऑल थिंग्स। जितना मैंने पढ़ाया बताया आज आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सी यू सून, फॉर टिल देन बाय बाय। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आप सभी से कि ना लाइक कीजिएगा ना कमेंट कीजिएगा, ना लाइक कीजिएगा ना कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।